दोस्तों, स्वागत है आपका नया एक और वीडियो में। से दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगा आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल से वेलफेयर ऑफिसर से आपके फॉर्म वेरीफाइड होने लगे हैं, वो भी आप लोगों के इनरोलमेंट नंबर मैच नहीं हुआ, सस्पेक्ट डाटा वाले यहाँ पे फॉर्म में यहाँ पे दोस्तों वेरीफाइड हो रहे हैं। सो दोस्तों, पूरा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को जानना है, आप लोगों को पूरा समझना है। जो चैनल पर नया है बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप लोगों को यूपी स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले यहाँ पे प्रोवाइड होती रहेगी। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो पीडीएफ मेरे को आई है, जो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के तरफ से आई है, जो स्टूडेंट यहाँ पे भेजा है उनका मैं यहाँ पे बताऊँगा। इनका नाम रवि है दोस्तों, इन्होंने मेरे को पीडीएफ भेजा है। सो मैं आप लोगों को इनकी पीडीएफ से आप लोगों को दिखाऊंगा। जो भी स्टूडेंट है वे कृपया पीडीएफ मेरे को भेज सकते हैं टेलीग्राम पे, जो भी आप जिनका वेरीफाइड या हुआ है या फिर कोई प्रॉब्लम है वो भेज सकते हैं। सो दोस्तों, इनका नाम रवि है, इनसे मेरी बहुत ही अच्छी वार्तालाप होती रहती है और जो भी प्रॉब्लम होती है ये यहाँ पे पूछते रहते हैं और इनकी प्रॉब्लम जो भी होती है मैं सॉल्व करता रहता हूँ। सो दोस्तों, यहाँ पे जो भी आप लोगों की प्रॉब्लम हो वो लोग यहाँ पे भेज सकते हैं। सो इनका रवि नाम है। सो इनका मैं आप लोगों को पीडीएफ दिखाऊंगा, इनका जो सस्पेक्ट डाटा वेरीफाइड हुआ है। सो यहाँ से मैं इनका डाउनलोड कर लेता हूँ और डाउनलोड करने के बाद मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊंगा। सो दोस्तों, यहाँ पे डाउनलोड पीडीएफ हो चुकी है और अब आप लोगों को यहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ दोस्तों, इनका सस्पेक्ट डाटा भी वेरीफाइड हो रहे हैं। सारे स्टूडेंटों के वेरीफाइड होंगे फॉर्म, वो कृपया धैर्य बनाए रहें, वे पेशेंस रखें। जिनका यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर या फिर आईएससी कोड, आईएससी बोर्ड या जो भी है वो मैच नहीं हो रहा है, वे परेशान हैं। बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट इस इंटरफेस प्रॉब्लम कर रहे हैं तो मैं समझ सकता हूँ। सो दोस्तों, यहाँ पे सारे स्टूडेंटों की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। जैसा कि यहाँ पे आप लोग इनका फॉर्म देख सकते हो, इनका रिड्यूवल फॉर्म है, रवि इनका नाम है। सो दोस्तों, यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़, दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इनका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ था 30/10/2020 को, इनका फाइनल सबमिशन हो गया 7/11/2020 को और दोस्तों इनका यहाँ पे फॉरवर्ड हो गया। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूशन से ये हो चुका है 26/12/2020 को, यहाँ पे आप लोगों के सामने है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। सो दोस्तों, यहाँ पे मैन इम्पोर्टेंट मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा दूँ, ये देखिए वेरीफिकेशन बाई डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर से, इनका वेरीफाइड बाई DWO 20/01/2021 को 1:50 पे इनका वेरीफाइड हो गया। दोस्तों आपके सामने है रिजल्ट। दोस्तों यहाँ पे इनका बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, इनको देख सकते हो काफ़ी चीज़ें तो इनकी मैच ही नहीं हुई। जैसा कि आप लोग देख सकते हो मेरी होम स्क्रीन पे इनरोलमेंट नंबर, नोट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा, मार्क मिसमैच, प्रमोटेड विदाउट मार्क, अटेंडेंस परसेंटेज लेस देन 75, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट। दोस्तों इतनी चीज़ इनकी यहाँ पे सस्पेक्ट में थी, परंतु इनका DWO से वेरीफाइड हो गया, वो भी 20 फरवरी को। दोस्तों जैसा कि 22 फरवरी के आप सभी लोगों के डाटा लॉक होने हैं, लॉक हो चुके हैं। आप लोगों को बता दूं, आज 24 तारीख सारे स्टूडेंटों के लॉक हो रहे हैं, उनका फॉर्म जो है वेरीफाई किया जा रहा है। जो भी इनके सब कुछ सही है, उन्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, जैसा कि मैं शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोगों को बताता रहा हूँ। जिनका प्रॉब्लम सही है उनका वेरीफाइड होगा, वो भी डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर से। जैसा कि आप लोग इस फॉर्म में देख सकते हो, इनका वेरीफाइड हो चुका है बाकायदा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल से, DWO से, ठीक है। जबकि इनकी इतनी प्रॉब्लम है तो स्टूडेंट बिल्कुल मत घबराएं। जिनकी इनरोलमेंट नंबर नहीं है, सही नहीं है, जिनका मैच नहीं हुआ है जबकि उनका सही है, तो वे बिल्कुल ना घबराएं, उनका वेरीफाइड होगा, बहुत ही जल्द वेरीफाई होने वाला है। तो आप लोग धैर्य बना रहे, पेशेंस बनाए रहें। जैसा कि आप लोग इस PDF में देख सकते हो, इन स्टूडेंटों के तो 4 अप्लीकेशन तो कॉलेज में जमा करना होता है, इनका फिर डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट, उनका फिर काफ़ी चीज़ें इनको जमा करनी होती होंगी, लेकिन 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 इनका पहले ही वेरीफाइड हो चुका, ठीक है। बिना मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। जिनका सस्पेक्ट है वो धैर्य बनाए रहे, सस्पेक्ट डाटा बिल्कुल सॉल्व होगा, DWO से वेरीफाइड होगा उनको। अब इनका जब DWO से वेरीफाइड हो चुका है तो इनको यहाँ पे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों।
स्टूडेंट सोचेगी हमको कॉलेज में ये इस अप्लीकेशन जमा करना है, वो जमा करना है, तो आपको कुछ नहीं करना। जब आपका यहाँ से DWO से वेरीफाइड हो जाए तो आप लोगों को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि आप लोग समझ लें, आपकी स्कॉलरशिप 100% आएगी आपके बैंक अकाउंट में, कोई नहीं रोक सकता, अगर जो आपका DWO से वेरीफाइड हो गया, जबकि सस्पेक्ट में डाटा हो फिर भी आप लोगों की स्कॉलरशिप आएगी। तो मैं जो बता रहा हूँ आपको, आई होप समझ में आ चुका होगा। जो भी स्टूडेंट है जिनका DWO से वेरीफाइड हो जाए, बिल्कुल संतोष हो जाए, वे इंतज़ार करें कब उनकी स्कॉलरशिप कब उनके अकाउंट में आएगी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका, जो भी टेंशन में है स्टूडेंट, वे धैर्य बना रहे हैं, टेंशन मत करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू, बाय बाय।